अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा आपको तख्ती सियाह पे कुछ दिखाई दे रहा हूँगा, इसके अंदर आपको हर बॉक्स में हर डब्बे में तीन तीन गेंद नज़र आ रहे होंगे। उसके नीचे आपको एक बॉक्स और दिखाई दे रहा हूँ, दूसरा बॉक्स जिसमें आपको तीन गेंद नज़र आ रहे होंगे, तीसरे बॉक्स में भी आपको तीन गेंद नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि तीन को तीन मरतबा उसके आगे गिनना है, जैसे तीन, तीन के आगे और तीन मरतबा गिनेंगे तो छः मिलेगा, छः के आगे और तीन मरतबा गिनेंगे तो हमें नौ मिलेगा। इसी तरह एक बच्चे को बुलाकर हमको इसको सवाल को हल करना है, वो बच्चे यहाँ पर आके गिनेंगे, जैसे आपको पहले बॉक्स में कितने गेंद, बेटा आपको पहले बॉक्स में कितने गेंद नजर आ रहे हैं, बुलंद आवाज से बोलो, तीन। ठीक है, तीन लिखो उसमें आप। दूसरे बॉक्स में आपको कितने गेंद नजर आ रहे हैं, लिखो। तीसरे बॉक्स में आपको कितने बॉक्स गेंद नजर आ रहे हैं, लिखो। आप और इसका मतलब क्या है, तीन को तीन बार जमा करने पर हमें क्या मिलेगा, नौ। वेरी गुड, शाबाश, लिखो नौ। और तीन को तीन से जरब देने पर, यानी इसका मतलब है तीन को तीन बार जमा करने पर उसको हमको अदद मिलेगा नौ, लिखो। वेरी गुड बेटा, शाबाश। ये हमारा मरहलावार गिनकर लिखना हुआ, ये उसकी एक आसान मिसाल थी। इसके अलावा आप अपने घर पर बैठकर अपने अम्मी अब्बू के जरिए इन मिसालों को आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरी मिसालें भी इसके अलावा आप ले सकते हैं।